हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। भाई आप अपने ट्रैक्टर लेकर पिपली टोल प्लाजा पर डेढ़ बज रहा है और भाई उड़े से 5 बजे चाल पड़ेंगे। अभी जो भाई पहले बताई थी सारे भाइयों का जो फैसला हुआ है अपने अपने ट्रैक्टर लेकर और पिपली टोल प्लाजा पर पहुंच जाओ, वहां से पूरा जत्था एक साथ चलेगा। एक लेन में शांति के साथ अपने ट्रैक्टर पर अपनी यूनियन का या देश का झंडा लगा गए और भाई किसी के हाथ में कोई हथियार या कोई देश विरोधी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। अगर जब कोई भाई शरारत करेगा और तब उसको जो हमारे वॉलंटियर अलग ही निकाल देंगे, ये हमारा फैसला है कमेटी का। जो कोई भी अगर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा उसको हमारी कमेटी का कोई सपोर्ट नहीं होगा, वो अपनी गतिविधि के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। हम शांति से गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर अपने आंदोलन में भाग लेने के लिए चल पड़े। आज का जो फैसला हुआ है वो आज ही खरखोदे ब्लॉक के ट्रैक्टर पिपली टूल ट्रैक्स पर पहुंचेंगे, 5 बजे तक पहुंच लेना है, अभी चल देना है। सभी भाइयों ने आज का फैसला पंचायत का यू होया है भाइयों, 5 बजे तक टूल ट्रैक्स पर पहुंच जाओ पिपली, शांतिपूर्वक तरीके से जाना है, आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चलाना है। अगर कोई भाई किसी और गति तो उसको वापिस कर दिया जाएगा। पंचायत का वो फैसला ये है कि अगर उस फैसले पे कोई भी ट्रैक्टर वाला भाई कोई किसान नहीं चलिया तो उसको वापिस कर दिया जाएगा, उसकी कोई देखरेख या कमेटी जिम्मेवार नहीं होगी, दुकानदार पे दंड भी करेगा। अगर जाको धरने नहीं बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस कद्दार को सारी दया खाप कट्ठे होकर दंडित करेगी। हम शांतिपूर्वक करेंगे और सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है रावणी माता का नेम करके चलते हैं। सारे भाई पीपली चलो भाई कमेटी उड़े बन जाएगी, सारे का सारे भाइयों से आचवाण कर रिक्वेस्ट है। ये फैसले में एक और फैसला हुआ है, पीपली टूल टैक्स को बंद करवाएंगे और सदा के लिए बंद करवाएंगे। मारा और शांति में खल बल नहीं करना, असद नहीं बोलना किसी का, ना भाई तो ना और से। बाकी हाथ जोड़ के एक अपील है, मारे किसान सदियों से देखता रह जाए, किसान माथी जितनी ताकत है इसमें ज्ञान नहीं थे, इसमें एकता नहीं थी, आज समा गया एकता का। बच्चों मैं आपका छोटा भाई आपका बेटा राजवीर जरोट ब्लॉक समिति चेयरमैन खरखोदा। भाई देखिए अखबार में भी पढ़ते हैं और कहीं कहीं से फोन आते हैं उनसे भी सुनते हैं। अक भाई दया खा पा रहे नो कहे भाई जो जो धरना धर रहे हैं इन्हें कुछ लोग नो कहे भाई वापिस। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, ना तो वह दैया के वह सरकार के आदमी है, उन बातों को हमने बिल्कुल नहीं सुनना। आज जो भाईचारा इकट्ठा हो रहा है ये एक ये नहीं भाई ये दैया का आंदोलन है, ना ये अग भाई ये किसी एक बिरादरी का है, ना ये अग ये किसी एक धर्म का है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और 36 बिरादरी हम एक ही है और हमारा एक ही सोच एक ही विचार ये है। अब जो हमारा ये आंदोलन कुछ लोग खराब कर रहे हैं या गलत सलत बयान दे रहे हैं इनको हमने नहीं सुनना और तन मन धन से आप लोगों ने वहां जाकर और हिम्मत के साथ हमने ये दिखाना है। आज समय आ गया, चाचा ने बताया हम यहाँ एकत्रित हुए इकट्ठे हुए और जो भी कमेटी निर्णय लेगी आपका भाई आपका बेटा आप लोगों के बीच में है, जो भी कमेटी का जो आगे का विचार होगा तन मन धन से आप लोगों के साथ में हूं। और
जो चाचा ने और बताया अग भाई कानून वाली बात या कहानी आप सब लोगों ने पता है पढ़े लिखे हैं ये सरकार हमारे को बच्चों को एक बर्बाद करने का इन्हें निर्णय लिया है तो हमने इनके निर्णय को स्वीकार नहीं करना और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचना है। धन्यवाद। जय नमन इस दया आपकी सरदारी को भैया बार बार तो बड़कारी थी भी कमेटी बनाओ कट्ठे और करो और मरो लास्ट आ गया है बत्ती और कुछ हो नहीं सकता। रात बहुत बुरी तरह गुजारी एक एक कर्ण कर्ण आवे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। हम रात में प्रीतमपुरे के भीतर के सिंह बॉर्डर गए पता नहीं कितने फोन आए बोला यो तो आंदोलन खराब हो गया बंद हो गया यो हो गया डकगी सारी मीडिया। हम रात में प्रीतमपुरे पैके गए न्यू का न्यू लाखा किसान मारा भाई अपने भी नाथूपर के न्यून के गांव के फिर भी जा पहुंचे तक करो मरो की लड़ाई है और ये नहीं कमेटी बनाओ। मैं अपने गांव की के गवांड की सब कहे की अंगा लाकर 26 ने भी गए थे 26 ने गए वापस आ गए लेकिन आने तो 5-6 हजार ट्रैक्टर अपने तैयार खाते थे लेकिन 50-60-70 हजार तक इस ट्रैक्टर को गांव में नहीं रहना चाहिए। जब वो भाई तकैत की जब उनकी जो बक्के और सारे कमीन जो ये थे ना आरएसएस के ना ये हाथ मतलब आरएसएस के थे जो इन जाके फिर हम अपने गांव में 10:30 बजे 1250 ट्रैक्टरों के साथ मारा रोना चल रहा था भाई 12 बजे हम पूरी दिल्ली में परेड करांगे वहां परेड करांगे किसान वाली परेड करांगे दुनिया देखेगी। 62 दिन तो इतनी शांति थे आज तक दुनिया में इतिहास में कदे अंग्रेजा के टाइम भी आंदोलन नहीं हुआ जितनी शांति पूर्वक मारे किसान भाइयों ने करा। एक एक का मैंने को जोश ही सहारा चाहिए एक ट्रैक्टर भी घर में नहीं रहना चाहिए जो भी टाइम टेको वो टेको और एक एक कमेटी बनाओ 10 रुपये तय जहां तय भी जिसका भी जिस ही श्रद्धा वह मदद करके ट्रैक्टर में भी तेल गाल के ज्यादा से ज्यादा सिंह वोटर टीकरी वोटर गाजीपुर वोटर दिल्ली में चालो। बहुत बहुत धन्यवाद। या दो बना दो जैसे आप उचित समझो वो फैसला पूरे खरखोदा ब्लॉक से आदमी आए हुए हैं सभी से मेरी प्रार्थना है एक या दो जल्दी से जल्दी पूरे ब्लॉक की कमेटी बना दो ताकि पूरी हमारी लड़ाई संगठित हो जाए और एक नियम से और अनुशासन से ही लड़ाई जीती जाएगी। और भाई ड्रामा प्रार्थना मेरी आखिर 5 ओरिगन है और भाई बाहर भी मौका दे दो जो ले जाए उसका क्या हुआ एक तो यहाँ बतला लो उसकी तो हमने बेला है 3 कृषि कानून आगे तक क्या हो रहा है अकेला हो रहा है बोला है वाइस को 7वीं का इंतजाम करो जो अपने ट्रैक्टर ना काट है और थोड़ा वाइस कमेटी बनाओ जी और फिर टाइम थोड़ा है काम घना है अगर जो कल और परसों तरसों बात रहे है अब तक तो बिल्कुल खराब है इतने हमारे जो वे लीडर बैठे हैं उन्हें कदर ठा के जेल में ठोक दिए जाएंगे या ना वे सब वे आत्महत्या कर लेंगे। वही बात ये है पीपली टोल पर सुनो भाई तगादा मत करो अड़ा फैसला करेंगे ये पीपली टोल पर अड़ा ये फैसला करके देंगे कै बजे हर गांव से ट्रैक्टर दही आगे हर गांव से खरखोदा ब्लॉक में चाहिए और भी कोई भाई हैं ब्लॉक की जो इन्हें या अलाउंसमेंट करी थी और बस दूर दूर के लोग आ रहे हैं अपना ट्रैक्टर लेकर अपने जत्थे के साथ और एक कमेटी जो बनाने का निर्णय है जो जाने वाले आदमी है एक गांव की कमेटी बने 11 आदमियों की जो रोजाना की डायरेक्शन ले और वे सारे उड़ा सारे प्रधान सारे गाँव के सरपंच जितने भी किसान युवा भाई बैठे हैं सबको नमस्कार। मैं खरखोदा से हूं सिकंदर दहिया मेरा नाम है। आज इस धरती पर इस मंच पर आकर बहुत ही गर्व फील मुझे हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जितने भी बुजुर्गों ने जो आज हालत बताई किसान आंदोलन की वो हालत हम सबको पता है अभी तक 62-63 दिन हो गए जो किसान वहां पर जूझ रहे हैं जो हालत वहां पर है सर्दी में रात का जो माहौल वहां होता है बहुत ज्यादा सर्दी में वो बैठे हैं
वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो किसान अपने लिए नहीं बैठे, वो आम आदमी के लिए भी बैठे हैं। जो वहाँ पर जो आप गेहूं खाते हो, जो भी अन्न खाते हो, वो हम सब के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो माहौल देश में ऐसा फैला दिया किसानों को, हम एकजुट होकर वहां पर जाने की जरूरत है। मैं सिर्फ एक सुझाव कमेटी को या जो भी मंडल आप बनाना चाहते हैं गांव वाइज, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब शुरू हुआ था आंदोलन, मैं गया था वहां पर, पंजाब के जो किसान बैठे थे उन्होंने कहा था हमारे घर से, हर घर से दो बंदे आते हैं, एक हफ्ते के बाद दूसरे बंदे आ जाते हैं। तो इस ये मेरा सुझाव है कि अगर कोई भी यहाँ से जिम्मेवारी लेता है तो हर घर से दो आदमी वहां पर जरूर जाएं। आज सुबह कल संदीप जी और विकास भाई वहां पर गए थे तो इन्होंने बताया कि वहां पर किसान आंदोलन अभी कमजोर पड़ रहा है। आज सुबह मैं खुद वहां पर गया और आज शाम का 5 बजे का हमने टाइम रखा है कि शाम की रोटी हम वहीं पर जाकर खाएंगे। शाम को 5 बजे खरखोदा से मेरा एक विनती है, जो भी आज कमेटी बने, आज शाम 5 बजे जितने भी ट्रैक्टर, जितने भी जो जोड़ना चाहता है खरखोदा, 5 बजे वहां पर मिले। सबसे अनुरोध है अपने घर से, हर घर से दो आदमी, तीन आदमी, जितना भी आप समर्थन कर सकते हैं वहां पर पहुंचकर किसान आंदोलन को मजबूत करें। जय हिंद। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा @9pm न्यूज चैनल। नमस्कार।